फिर आती है पार्ट्स ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिजाइन होता है तो दो पार्ट में डिजाइन होता है। दो पार्ट में डिजाइन कैसे? द पहला पार्ट होता है कर्नल, जो कि कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये कर्नल में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, कोर फीचर लाइक प्रोसेस एग्जीक्यूशन, शेड्यूलिंग ऑफ सीपीयू, डिस्क शेड्यूलिंग, फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स होते हैं, डिस्पैचर होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच कराना होता है, मेमोरी मैनेजमेंट की फीचर्स होते हैं, पेजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फीचर है, हर एक फीचर के लिए एक छोटा सा फंक्शन लिखा होता है ओएस की कोडिंग में। हर एक फीचर के लिए एक फंक्शन लिखा होता है किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग में। तो अगर ऐसा है तो वो जो फीचर के जितने भी ऐसे फंक्शन है वो सब इस कर्नल पार्ट में रहते हैं। अब जैसे आपको उसको यूज करना है तो यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इंटरफेस प्रोवाइड करना पड़ता है कि उन फंक्शन को कैसे कॉल किया जाए ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करे। उसके लिए हम देते हैं शेल। शेल जो है वो अपर पार्ट होता है ओएस का, जिसमें हम देते हैं इंटरफेस। ये हमारा शेल जो है वो है इंटरफेस, जिसके थ्रू यूजर या फिर कोई प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? द एप्लीकेशन प्रोग्राम, इस कर्नल से एक्सेस करता है या कर्नल के फीचर को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप सब लोग फॉलो कर पा रहे हो अभी तक? इज दैट फाइन एवरीथिंग? माय वॉइस इज कमिंग क्लियर? सब कुछ क्लियर आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो इस शेल इंटरफेस के हमारे पास तीन टाइप होते हैं। क्या है वो तीन टाइप, मैं बता देता हूं। पहला है कमांड लाइन इंटरप्रेटर, कि आप कमांड लिखो और उस कमांड के थ्रू आप कर्नल को कॉल करो, जैसे कि आप एमएस डॉस में कभी देखा करते थे। देखा है आपने एमएस डॉस में? चलिए, ज्यादा लाइट हो रहा है, दिख नहीं रहा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा डार्किश कलर ले लेता हूं, है ना? एमएस डॉस कमांड लिखी है ना आप लोगों ने, सब लोगों ने, है ना? इसके अलावा अगर आप लोगों ने कभी शेल स्क्रिप्टिंग की है तो स्क्रिप्टिंग भी होती क्या है यार? शेल का कमांड अगर आप लिखोगे तो वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर ही है। कमांड लिखा, रन किया, रन करने से कर्नल का फंक्शन कॉल हुआ, कर्नल ने वो ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। किसी भी फाइल को कॉपी करने से लेके, फाइल को रीनेम करने से लेके, कुछ भी आप उस शेल के कमांड लिख के काम कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास बैच इंटरप्रेटर। क्या होता है बैच इंटरप्रेटर? बैच इंटरप्रेटर होता है कि आपके पास बैचेस हैं, मतलब कि कमांड्स का एक कलेक्शन है। एक साथ चार या पांच कमांड चलाओगे तो एक पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो चार कमांड को एक बैच में लिख दिया और बैच चला दिए एक साथ, तो पूरा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, उसको हम कर्नल से रन करा सकते हैं एक करके, उसे बोलते हैं बैच। और लास्ट होता है जो आपको सबको पता है, GUI, विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये GUI क्या होता है? GUI होता है जो आप यूज कर रहे हो करंटली आपके मोबाइल फोन में, आपके जितने भी आपके पास करंट जितने भी डिवाइसेस हैं उस सब में आप यूज करते हो GUI, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज ईजियर टू हैंडल, ईजियर टू नो, रिमेंबर, एंड जल्दी जल्दी काम हो जाता है। राइट क्लिक करने से जो काम हो जाएगा वो हम एक कमांड लिख के क्यों करें, क्यों कमांड याद रखें? ऑफकोर्स रीनेम करने के लिए फाइल का नाम लिखो एटसेट्रा एटसेट्रा, हम डायरेक्टली लोकेशन पे जाएंगे राइट क्लिक करके, रीनेम करके और आराम से रीनेम कर देंगे, इजियर वे ऑफकोर्स। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो भी किस टाइप का है? शेल टाइप का। अब अगर आपने कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली यूनिक्स पढ़ा होगा तो यूनिक्स में ये जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर होते हैं ना, इनके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। आपने, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट और नॉट, बट होते हैं अलग अलग टाइप के शेल होते हैं, बैश होते हैं, लाइक राइट। तो वो क्या है एग्जैक्टली? ये शेल के टाइप होते हैं। यस, वो शेल के टाइप होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के शेल हो सकते हैं जिनमें अलग अलग कमांड आपको लिखनी होती है एक ही चीज के लिए। तो एक शेल में अलग कमांड, दूसरे शेल में अलग कमांड। फिर आता है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल होता क्या है? सिंपल सी बात है, सिस्टम को बुलावा देना, है ना? तो ये जो अभी आपने कर्नल देखा, इस कर्नल के फीचर में क्या है? इस कर्नल में, इस कर्नल में आपके पास है फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हैं आपके पास? फंक्शंस हैं आपके पास में वो फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। तो अगर आपको वो फंक्शंस क्या करना है, वो फंक्शंस को एक्सेस करना है, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हाँ, किसके थ्रू? इस शेल के थ्रू।
तो जब भी सिस्टम के लिए कोई काम निकलता है तो क्या करना पड़ता है, एज ए यूजर मैं या फिर मेरा एप्लीकेशन प्रोग्राम एक फंक्शन कॉल करता है और उसे हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल को हम क्या कह सकते हैं, इंटरफेस बोल सकते हैं, किसके बीच में, एज यूजर मी और या फिर प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्राम से इंटरफेस करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी का। सिस्टम कॉल इज अ वे ऑफ प्रोग्राम्स टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now.